सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो है अपनी 10 कैंडिडेट को जो है इस मरतबा अनाउंस किया है, और उसमें जो है पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भास्कर प्रसाद को जो अनाउंस किया है और आपको जो है एक स्टार कैंपेनर बताया गया है। आप डीजे हंडी के जीएनडी केस में जो है खुद एक अक्यूज रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप कुछ बदलाव ला सकते हो? देखिए, पहले तो इसमें एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, डीजे हंडी के जीएनडी का जो है एक सारी हिंदुस्तान की तारीख में जो है एक ब्लैक डे के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। उस दिन किस तरह एक पॉलिटिक्स और जो ड्रग्स के पेडलर्स थे इन लोगों का जो मिली जुली एक खेल हुआ, उसका नतीजा जो है डीजे हंडी के जीएनडी का राइट्स हुआ। आज भी बहुत सारे लोग उसमें जो है जेलों में फंसे हुए हैं। तो पहले तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुबहान तआला पहले जल्द से जल्द साथियों की रिहाई का फैसला करें, और इसके पीछे जो लोग साजिश किए हैं उन लोगों को कानूनी तरीके से जो है आगे चलकर जो है क्या उनके खिलाफ का कार्रवाई करना है, ये भी हम लोग करेंगे। और इसके साथ जो इलेक्शंस का जो माहौल है, खासकर पुलिकेशी नगर अगरचे देखेंगे सारे कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लिस्ट में जो है 10 कैंडिडेट्स एसजीपीए की जानिब से डिक्लेयर किए हैं, और खसूसन जो है प्रायोरिटी में पुलिकेशी नगर और सर्वज्ञ नगर दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और डिसाइडिंग फैक्टर जो है मुसलमान है। हर बार भी पिछली मरतबा एक बीजेपी का डर दिखाकर अलग अलग मस्जिदों में इदारों में प्रोजेक्टर्स डालकर जो खौफ का माहौल ये क्रिएट कर जो एनकैश किए कांग्रेस वाले, उसका नतीजा आप और मैं 2018 के इलेक्शन के बाद देख लिए कि जितने भी कांग्रेस के जीते हुए नुमाइंदे थे कहां पर गए और किसे इख्तदार में लाए। तो हमारे मसलों को, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, चाहे हेल्थ का मसला हो, या हमारे रोजमर्रा जिंदगी के जो मसले हैं, अगर इसे कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्टरनेट जो है एसडीपीए है। आजादी के बाद से अब तक अपने आप को एक सेक्युलर पार्टी बोलते हुए आ रही है, उसका सेक्युलरिज्म अब जो है बरकरार रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हर बार भी माइनॉरिटीज के दलित के वोट लेना और कम्युनल फोर्सेस के हाथों को मजबूत करने का काम ही सिर्फ कांग्रेस करती आ रही है, उसके अलावा डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं है। खुसूसन आप पुलिकेशी नगर में देखेंगे, हमारे बच्चों को जरूरत थी अच्छी एजुकेशन की, मगर इनके हाथों में नशे की पुड़ियां थमा दी गई। हमारे बच्चों को जरूरत थी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब्स की, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की, मगर हमारे बच्चों के हाथ में गांजे की अफीम की लत में जो है इन्हें मुबतला किया गया। अलग अलग तरीकों से जो है दलितों को और मुसलमानों को इख्तदार में या पॉलिटिकल अवेयरनेस आने में ये लोग जो है दूरी रखते हैं, क्योंकि अगरचे ये कम्युनिटीज पढ़ लिख कर डेवलपमेंट होकर आगे आ जाएंगे तो इन लोगों को इलेक्शंस में काम करने वाला कोई नहीं होगा बोलकर ये एक सोच के साथ खासकर यहाँ के इलाके में डेवलपमेंट बिल्कुल ये लोग करना नहीं चाहते, और आगे भी इनका यही मंशा है। प्रसन्ना कुमार साहब को हम लोग वोट दिए, देकर जिताए, जिताने के बाद देखे क्या डेवलपमेंट हुआ पुलिकेशी नगर में, फिर उसके बाद एक अल्टरनेट की शक्ल पर अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी को एक मौका दिए, 10 साल इनके पास टर्म रहा, हम लोग देखे क्या डेवलपमेंट हुआ है। एक छोटा इंसिडेंट सगायपुरम का जब बाई इलेक्शन हुआ पिछली मरतबा, उस टाइम पर कैनवेसिंग में कैंडिडेट में ही था, वहां पर कैनवेसिंग में जब हम लोग गए वहां पर एक औरत एक झोपड़पट्टी से निकल कर आकर पूछती है, भैया अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे हमारे लिए बोलकर। तो मैंने एजुकेशन के बारे में बात किया, हेल्थ के बारे में बात किया और सिक्योरिटी के बारे में बात किया, तो बोलती है भैया बच्ची को बड़ी अरमान के साथ SLC के बाद में हम लोग कॉलेज को भेजे, भेजने के बाद 8-10 दिन भी नहीं हुआ बच्ची को हम लोग जो है कॉलेज से रुका दिए बोलकर। मैं सोचा शायद फीस का मसला होगा बोलकर, मगर जब डिटेल डिस्कस किया तो उसके बाद में मालूम पड़ा बच्ची घर से बाहर अगर से निकल रही है तो 1 से 2-3 जगह बस स्टैंड को जाने तक नौजवान जो है बच्ची को छेड़ना, बच्ची के साथ वाहियात हरकतें करना, यहां तक कि एक बार निकाब तक वो बच्ची का खींचा गया। जब मैं पूछा कि पुलिस कंप्लेंट नहीं दिए क्या बोलकर पूछा, तो जैसे पुलिस कंप्लेंट देते सर वहां से ये फोन आता कि ये फला MLA का लड़का है, फला कॉर्पोरेटर का लड़का है बोलकर। तो ऐसी हालत में हम लोग क्या करें, हमारी बच्ची को जो एजुकेशन से खड़ा कर हमें घर में रखना पड़ा बोलकर। जब हमारे बच्चों की सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोच नहीं रहा है, आप मोदी रोड में जाकर देखिए गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है, एक लोकल कॉर्पोरेटर गवर्नमेंट स्कूल की प्रॉपर्टी को जो है इलीगल अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट बनाकर
उसके पीछे हरकत कर बेचने के लिए तुला है। ऐसे नुमाइंदों को अगर हम इलेक्ट कर बेच रहे हैं तो हमारा भला कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस बार सारी पुलिकेशी नगर के आवाम से मेरी एक आजीजाना गुजारिश है, एक मौका, एक तब्दीली की तरफ जो है HDPI को एक मौका आप देकर देखिए। इंशाल्लाह यहाँ पर डेवलपमेंट किसे कहते हैं, हमारे मसलों को कैसा एड्रेस किया जाता है, जो तकलीफ पड़कर है, जो ग्राउंड में हमारे साथ खड़ा हुआ है, वही हमारे परेशानियों को, हमारे जरूरतों को समझ सकता है। जो AC में बैठकर, बड़े बड़े बंगलों में बैठकर जो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, उसे हमारे परेशानियों से, हमारे मुसीबतों से कुछ लेना देना नहीं है। एक भास्कर प्रसाद साहब, चाहे वो NRCCAA का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, या चाहे वो टैनी रोड का या DJ हल्ली का एक गली का मसला हो, हर मसले को जो है एड्रेस किए हैं और इंशाल्लाह एड्रेस करते रहेंगे आने वाले दिनों में। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक सही कैंडिडेट HDPA की जानिब से भास्कर प्रसाद साहब की शक्ल में एक हमें दिया गया है। आप लोगों को इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भास्कर प्रसाद साहब को HDPA को वोट करें। वोट कर जो है एक सही और बेहतर पुलिकेशी नगर मॉडल के तौर पर सारे कर्नाटक में लेकर चलेंगे बोलकर एक उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।